पानीपत में घर की मरम्मत के दौरान तीन कंकाल मिलने के राज से 24 घंटे के भीतर ही पर्दा उठ गया। ये 2.5 साल पहले मकान बेचने वाले शख्स की पत्नी और बच्चे थे। उसने तीनों को मारकर यहां दफन कर दिया था। आरोपी को उत्तर प्रदेश के भदोही से गिरफ्तार करके पुलिस उसे पानीपत ला रही है। आपको बता दें कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी शादीशुदा एहसान सैफी ने 3 साल पहले .com के सहारे 32 वर्षीय नजनीन से शादी की थी। शादी के बाद बॉम्बे से रहने के लिए पानीपत पहुंचा। आरोपी यहां कारपेंटर का काम करने लगा, लेकिन पहली पत्नी के साथ कई बार इसको लेकर विवाद हुआ तो आरोपी ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया और फिर मकान को बेचकर भदोही फरार हो गया। पुलिस जांच में शवों की शिनाख्त आरोपी की पत्नी नजनीन व बेटे साहिल व साबिर के रूप में हुई है। बता दें कि पानीपत के सनोली रोड इलाके में स्थित शिवनगर में मंगलवार को एक मकान की मरम्मत के दौरान तीन कंकाल मिले थे। इस बारे में मकान की मालकिन सरोज ने बताया था कि उसने करीब 2 साल पहले यह मकान शुगर मिल में कार्यरत पवन नामक व्यक्ति से खरीदा था। जब पवन से पूछताछ की गई तो पवन ने बताया था कि उसने यह मकान फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर अगस्त 2018 में खरीदा था। जब सौदे के दौरान उसने मकान बेचने वाले एहसान से उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो उसने उनके जगदीश नगर में रहने की बात कही थी। अगले ही दिन उसने एग्रीमेंट करा दिया। इसके कुछ दिन बाद पवन ने यह मकान 2017 में पति से तलाक ले चुकी सरोज को बेच दिया। उससे पहले आरोपी एहसान सैफी इसका मालिक था। तमाम तहकीकात के बाद पता चला कि इस मकान को बेचने वाला एहसान और उसका परिवार पड़ोस में किसी से वास्ता भी नहीं रखता था। शक यकीन में तब्दील होने के बाद पुलिस शाम को ही भदोही रवाना हो गई। वहां पूछताछ में एहसान ने कबूल कर लिया है कि उसने ही हत्या करके तीनों शव दबाए थे। भदोही से पानीपत पुलिस उसे गिरफ्तार करके ला रही है, जिसे आज पानीपत न्यायालय में पेश कर पुलिस ने उसे 10 दिन के रिमांड पर लिया है ताकि हत्या के असली कारणों, हत्या में और कौन शामिल सहित अन्य जानकारी जुटाई जा सके। वहीं आरोपी अब भी भदोही में शादी.com के जरिए शादी करके रह रहा था। पुलिस ने उस महिला को भी जांच में शामिल करेगी। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। कैसे कैसे मरा था? बहुत पछतावा है सर। बस गलती इंसान से होती है, इंसान गलती से ही बना होता है। दबाया कैसे था? फोर्थ का दबाया था। अच्छा, कैसे, क्या चीज़ खिलाई थी? मैंने उनको अंगीठी से सर, वो जो है गैस जल रही थी, अंगीठी जल रही थी रात को सर्दी में। नींद की गोली भी खिलाई थी उसके बाद सवेरे मारा। मार के फरार हो गए थे? नहीं, फरार नहीं हुआ। अच्छा, कभी उसके घर वालों ने कुछ? चलो कि बेटा छोटो। चलो, मार्च 2021 को किला थाना के एरिया में, शिवनगर है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी के घर में कंकाल होने की आशंका है। उस घर में पुलिस सूचना मिलने पर पुलिस पहुँची वहाँ पर, किला थाने की पुलिस, और वहाँ पर समय में मौके पर गया। SP साहब हमारे मौके पर आए थे और जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा के उसकी खुदाई की तो उसमें तीन कंकाल मिले, नर कंकाल बरामद हुए, जिनकी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए कार्रवाई की गई और उनका पोस्टमार्टम PGI रोहतक से करवाया गया। PGI रोहतक से पता चला कि ये तीन डेड बॉडी जो है एक महिला की है और दो बच्चों की है। महिला की उम्र जो पोस्टमार्टम में बताई गई वो 32 साल से 35 साल तक, और बच्चों की उम्र बताई गई जो 12 साल से और 15 साल तक के बच्चे की उम्र बताई गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन CIA 1 इंस्पेक्टर राजपाल के हवाले की गई SP साहब के आदेशानुसार, और जब इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट की तो पता चला कि ये मकान 2.5 साल पहले एहसान नाम के आदमी ने जो बेचा था, वर्तमान में जो रह रहा पवन को बेचा था, और उसका कुछ हमें शक हुआ कि हो सकता है उसने ये काम किया हो, तो उसका एड्रेस पता करते हुए हमारी टीम ने उसको कल भदोही से काबू किया। और पूछताछ में पता चला कि ये शादी.com के माध्यम से इसने, एहसान ने,
इस औरत से शादी की थी, उसके दो बच्चे थे, दो बच्चे भी उसे भी क्लियर नहीं हो पाया कि उसके खुद के थे, जो अभी तक इसने बताया कि एक बच्चा इसका उसका खुद का था छोटे वाला जो, और जो बड़ा बच्चा था वो किसी अपने रिश्तेदार का रखी हुई थी या अपनी जेठानी वगैरह का रखी हुई, तो वो क्लियर हो जाएगा, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो बच्चा किसका था। तो मरने वाले तीन जो इंसान थे वो एक महिला जिससे इसने शादी की हुई थी, और एक जिसका नाम नाजनीन था, और एक उसका बेटा जो उसका खुद का बेटा बताया गया है वो सोहेल नाम का था, 14 साल का मरने वाला, और एक जो बड़ा लड़का था जो अपना बेटा ही बता रही है लेकिन वो उसका पता चला है कि किसी जेठानी वगैरह का रखा, वो साबिर नाम का, वो 15 साल का लड़का था। ये तीनों मरने वाले थे। तो अभी आज इसको कोर्ट में पेश करके 10 दिन का पुलिस रिमांड फर्दर पूछताछ के लिए लिया है, और अभी तक ये पता चला है, अब तक की पूछताछ से पाया है कि इसने दूध में जहर मिला के इनका आपस में मनमुटाव हो गया था, ये क्योंकि इसके पहले भी बच्चे हैं तितावी थाना के इलाके में, इसका गांव पड़ता है जग्गा हेड़ी, वहाँ पर इसके तीन बच्चे एक बीवी वो रहते हैं, तो ये बीच बीच में उनसे प्यार था, ये मिलने ज़रूर जाता था उनसे, तो वो इस बात पर इनका झगड़ा रहने लगा, ये नहीं जाने देती, तो इसने प्लान बनाया कि इनको रास्ते से हटाएं। तो इसने एक दिन 2016 नवंबर, अभी तक पता चला है, अभी फर्दर हम और भी डीपली इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब क्लियर हो पाएंगी चीज़ें, लेकिन जो अभी तक इनिशियली पता चला है कि नवंबर 2016 में इसने प्लान बनाया कि भाई इनको रास्ते से हटाया जाए, तो ये कहीं से नींद की गोली लेकर, इसने पता किया कि नींद की गोली से क्या कैसे जान जा सकती है, तो किसी ने बताया इसको कि हैवी डोज अगर वो दोगे आप तो जान जा सकती है, तो और उसकी स्मेल भी नहीं आती, बंदा पीता है तो उसको पता नहीं लगता, इस तरह का इसने बताया। तो जब ये वो इसने नींद की गोलियां रात को दूध में तीनों को दे दी, और सुबह जब इसने उठ के देखा तो वो सांस नहीं थी, उनमें प्राण नहीं थे, वो तीनों मरे हुए थे। फिर इसने उस कमरे का तो ताला लगा दिया, और उसके बाद इसने अरेंजमेंट किया कि भी इनको दफनाया जाए, दफनाने का प्लान बनाया, इसने एक मिस्त्री को ये लेके आया, खुदाई करवाई, और पड़ोसियों को इसने कह दिया कि मैं पानी का टैंक बना रहा, जैसे आप मौके पर गए थे, आपने भी पूछा था, बताया था, इसने पड़ोस में बता दिया था कि पानी का टैंक हम बना रहे हैं। तो इस प्रकार से उसने इसने दिन में उसकी खुदाई करवाई, और रात को उनको खड्डे में डाल दिया तीनों डेड बॉडीज़ को, और फिर इसने कुछ कपड़े भी जले हुए जैसे आप मिले थे, तो कपड़े उसके जला के कुछ वो भी डाल दी, और उसके बाद इसने मिस्त्री बुला के उसके ऊपर मिट्टी पहले भर दी ताकि कोई पता ना लगे कि नीचे क्या है, तो मिस्त्री बुला के ऊपर इसने फर्श करवा दिया, और उसके बाद ये आराम से रहा, और फिर बाद में इसने उसको घर को बेच दिया और ये आगे चला गया। तो हमारी सी आई ए की टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, 10 दिन का पुलिस रिमांड है, अभी और भी गहराई से इसमें पूछताछ की जाए। मरने वाली जो महिला कहाँ से लेके आया था? ये मुंबई से बता रहे हैं, उसका एड्रेस भी हमारे पास आया है, अभी फर्दर गहराई में जाएंगे, इसके घर वाले भी हम बुलाएंगे, वो कर रहे हैं। सर मकान शादी करने के बाद लिया था या पहले ही? मकान शादी करने के बाद लिया था, पहले ये गुड़गांव में रहते थे, उसके बाद इन्होंने पानीपत शिफ्ट होने के प्लान किया, फिर लिया। लगभग कितनी नींद की गोलियां दी थी सर जब इनकी डेथ हो गई थी? देखिए एक्स्ट्रा डोज ये बता रहा है, 4-5 गोलियां उसमें डाली थी, तो अभी तो करेंगे फर्दर कुछ। अब कहां से गिरफ्तार किया गया था? अभी भदोही से हमने इसको गिरफ्तार किया था, और आज इसको कोर्ट में पेश किया। सर ओवरडोज खाने से उनकी डेथ हो गई थी क्या बाद में कुछ हुआ? देखिए अभी तक इसने ये बताया कि जब उन गोलियों से ही इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन अभी हम पूरा विश्वास इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, अभी फर्दर पूछताछ के लिए 10 दिन हमने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं। इतना बड़ा हत्याकांड है, बड़ी सनसनी पानीपत में इस बात को लेकर फैली हुई है, तो हम पूरी गहराई से इससे और पूछताछ कर। क्या लगता है सर कोई और भी होगा इसके साथ? अवश्य मिलेगा, हो सकता है, और पूछताछ कर रहे हैं, जो भी इसमें आएंगे जिस चीज पर भी हमें शंका होगी कि किसी प्रकार से भी उसकी इन्वॉल्वमेंट रही तो हम गिरफ्तार करेंगे। महिला के जो परिजन थे उन्होंने कभी इसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? वो अभी तक हमें एड्रेस आया है उनका, फर्दर उनको शामिल तफ्तीश करेंगे तो पता लग पाएगा कि फर्दर क्या है। इसको इसके घर से गिरफ्तार किया गया था या दूसरी प्रेमिका के पास से गिरफ्तार किया गया? देखिए वहाँ ये रह रहा था, वहाँ काम करता था, अभी भी बता रहा है कि वहाँ भी इसने शादी डॉट कॉम के माध्यम से किसी से शादी की हुई है, तो वहीं से इसको गिरफ्तार किया। बताओ इसे ये कन्फर्म है सर उसी का बेटा था जो मरने वाला था? देखिए कन्फर्म तो कुछ भी नहीं कह सकते जब तक डीएनए वगैरह की रिपोर्ट ना आए, तो अभी तक जो इनिशियल पूछताछ में आया वो यही आया। सर दोनों शादी से शादी डॉट कॉम के माध्यम से की मतलब? यस। कितने बच्चे सर दूसरी वाले के?
दूसरे वो जो लास्ट में की उससे कोई बच्चा नहीं है अभी तक, और पहले इस जो उसकी ओरिजिनल शादी है एक नंबर वाली वो तीन बच्चे हैं उससे, और अभी ये दो बच्चे इसके साथ ही मरने वाले। पुलिस का शक कैसे गया इसके ऊपर? इसके क्योंकि शक ये गया कि जो वर्तमान मकान मालिक है उसने कोई अल्ट्रेशन वहाँ पर नहीं किया, हमने वेरिफिकेशन की, हम विश्वास उस पर नहीं करते, हमने वास पड़ोस से भी वेरीफाई किया। तो उससे पहले जो कुछ पड़ोसी ने बताया कि इससे पहले जो मालिक था उसने यहाँ खड्डा खोदा था, कोई पानी का टैंक बनाने की वो बात कह रहा था, तो ऐसे शक गहराता गया। फिर हमने रजिस्ट्रियाँ निकलवाई, उस दिन इसका नाम पता लगा, और ऐसे ही करते करते इसकी कुछ जानकारी मिली, ऐसे ही फ़ोन नंबर मिलकर तो हम इस तक पहुँच गए। काम क्या करता सर ये? राजमिस्त्री का काम करता। उसके काफी दिन बाद रहा है, उसके बाद इसने यहाँ काम भी किया है, इसकी बीवी भी यहाँ पर आई है उसके बाद, और फिर बाद में इसने बेचा। इसकी बीवी को जॉब वाली बीवी जानकारी है? अभी शामिल तफ्तीश करेंगे तो पता लग पाएगा, अभी तक ऐसा नहीं आया है कि उसको कोई जानकारी हो इस प्रकार की, तो पूछताछ करेंगे। जैसे पड़ोसियों ने कभी इस पे ब्रेकिंग न्यूज राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक